मैं तुझसे मांगता तुझसे युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। साथियों, हमें इस पर्व को मनाने की क्या आवश्यकता है, क्या उद्देश्य था, क्या विपदाएं क्या आपदाएं हमारे अरसे से चली आ रही है, जो लंबा अरसा चला रहा है भारत पाकिस्तान का, वो कश्मीर को लेकर जो झगड़ा लगातार आज तक जारी है, जिसका किसी भी स्तर पर किसी भी सियासतों ने न समाधान करना चाहते। पुनः मैं आपको चार पंक्तियों से जोड़ना चाहता हूँ कि क्या है कश्मीर। कश्मीर है जहाँ तमंचे हैं केसर की क्यारी में, कश्मीर है जहाँ तमंचे हैं केसर की क्यारी में, कश्मीर है जहाँ रुदन है बच्चों की किलकारी में, कश्मीर है जहाँ तिरंगे झंडे फाड़े जाते हैं, सन 47 के बंटवारे के घाव उगाड़े जाते हैं, कश्मीर है जहाँ हौसलों के पर तोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं। मोदी जी आए 2014 में, बड़ी बड़ी बातें की, 56 इंच का सीना मोदी जी ने दिखाया इस देश की सियासत के रूप में। मोदी जी के लिए चार पंक्तियों से जोड़ता हूँ। केसर घाटी में आतंकी शोर सुनाई देता है, क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर, हमारे सैनिकों को थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। साथियों, सैनिकों पर पत्थर फेंके, सियासत कहती है कि सहनशीलता की परीक्षा ली जा रही है। किसी राजनेता पर पत्थर फेंको तो स्टेटमेंट आता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। चार पंक्तियों से जोड़ता हूं कि केसर घाटी में आतंकी शोर सुनाई देता है, हिजबुल लश्कर के नारों का शोर सुनाई देता है, मले समीरा मौसम आदम खोर दिखाई देता है, मोदी जी तुम्हारा 56 इंची सीना भी कमजोर दिखाई देता है। साथियों, मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ, एक लंबी चौड़ी कविता आप लोगों के बीच में, अगर मंच का आशीर्वाद हो तो मैं सुना लूं। की है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। की है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। की है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। की है नमन उनको, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा। आज तक हिंदुस्तान में किसी शहीद के पिता को इस देश के कैमरों ने रोते हुए नहीं देखा, ये हिंदुस्तान के तिरंगे की ताकत है। साथियों, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। की है नमन उस देहरी को, की है नमन उस देहरी को, जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। की है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। की है नमन उनको। साथियों, फिर मैं आपको चार पंक्तियों से जोड़ना चाहता हूँ। थोड़ा सा जो मेरे साथी इधर उधर घूम रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप शांति बनाए रखें। क्या था हमारा हिंदुस्तान? हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े सिकंदरों को पूरे बैरंग लौटा दिया गया था। हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा हुआ करते थे,
कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। कश्मीर में कहते हैं कि दहशतगर्दी फैलाओ जन्नत मिलेगी, सैनिक दे रहे हैं। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। पाकिस्तान के जो लोग थे उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बया है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेत आ गया है। कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर। काल को तुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं, कि है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, कि है नमन उनको।